सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बहुत मजे के चॉकलेट पैनकेक्स बना रही हूँ। मैंने चॉकलेट पैनकेक्स की बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं, लेकिन हमेशा रफड़ी पड़ जाता है, कभी भी कोई रेसिपी ठीक नहीं बनी। एक रेसिपी मुझे मिली जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको चॉकलेट गनाश भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पैनकेक्स इटसेल्फ बहुत मीठे नहीं है, तो चॉकलेट गनाश हेल्प करती है। उसको एक तो मॉइस्ट भी हो जाता है, ऊपर से बड़े मजे का भी लगता है। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप बहुत एक रिच चॉकलेट केक खा रहे हो। तो अगर आप चॉकलेट केक नहीं बना सकते तो इनको बना लो, कुछ 10-15 मिनट में बन जाते हैं और इंजॉय करो। तो इसको ना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े प्याले में मैंने ले लिया एक अंडा। बाय द वे, इस रेसिपी से 9 पैनकेक्स बनते हैं। फिर उसके अंदर मैंने डाल दी 1/4 कप चीनी। जैसा कि मैंने कहा कि इस रेसिपी में बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, जस्ट इतना है कि आपको ये ब्लेंड ना लगे। तो इस अंडे और चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि जो मिक्सचर है बहुत लाइट हो जाए। उसके बाद इसमें चला जाएगा 1 कप दूध और 2 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप चाहते हो तो 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन भी ऐड कर सकते हो। इनको फिर से अच्छे से मिक्सी करना है। उसके बाद एक अलहदा से प्याला लेना है और उसमें डाल देना है 1/4 कप मैदा। और मेक श्योर कि मैदे में लम्स ना हो। मैंने गलती कर दी थी कि मेरे मैदे में लम्स थे। उसके बाद इसमें चला जाएगा 1/3 कप अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर। पैनकेक्स को फ्लफी बनाने के लिए इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। रेशियो मिक्सअप नहीं करनी। और 1/4 टीस्पून नमक, चुटकी भर नमक जाएगा। नमक जो है बड़ा अच्छा सा फ्लेवर लेके आता है। खैर, क्योंकि मेरे मैदे में लम्प्स थे तो मैंने फोर्क से उसका कचूमर बनाने की पूरी कोशिश की है। जैसे अंडा फेंटते हैं, उस मोशन में मैंने इसको फेंटा है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि जी इसमें कोई लम्प्स ना आ रहे। फिर जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट थे, अंडा, दूध और चीनी, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने मैदे को डाला और फिर उसको विस्क से मिक्स कर लिया। इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि आपका जो बैटर है वो पतला है। मुझे भी लगा था यार ये तो ठीक नहीं है, लेकिन आप इसको छोड़ दें कोई 10 मिनट के लिए तो बैटर जो है ना वो थिक बड़े मजे का हो जाता है। ये जी आपका अच्छे से बैटर मिक्स हो गया। उसके बाद हमें इसमें डालने के लिए चाहिए होगी चॉकलेट। अब यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है, आप चाहो तो मिल्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हो। अब चॉकलेट को करना होगा चॉप, और चॉप करने से याद है कि मैंने एक नया कटिंग बोर्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा जो पुराना कटिंग बोर्ड है यार वो बेकार हो गया है, तो क्यों ना नए कटिंग बोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरा कटिंग बोर्ड है जो कि मुझे YouTube की तरफ से आया है। आई एम जस्ट किडिंग, दिस इज माय सिल्वर प्ले बटन। ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है जो YouTube ने मुझे भेजा है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे। थैंक यू सो मच। मैं कब से चाहती थी कि मैं आपको अपना ये प्ले बटन दिखाऊं जो कि आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग और मेरे वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। आपने मुझे ऐसे ही फ्यूचर में सपोर्ट करते रहना ताकि हम बहुत जल्दी गोल्डन प्ले बटन तक भी पहुंचे। तो ये सिल्वर प्ले बटन है ना, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो आपको आपके घर में भेज दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रहेगा मेरे पास ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैं अपनी चॉकलेट को चॉप नहीं करूंगी। अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट साइकोपैथ बनते हुए मैंने चॉकलेट पे छुरियां मार के उसके टोटे टोटे कर दिए हैं। मेक श्योर कि इसके पीसेस बहुत छोटे हो। चॉकलेट हमें इसमें चाहिए 1/3 कप या अगेन जितनी आपको अच्छी लगे। मेरे लिहाज से 1/3 कप चॉकलेट चंक्स बहुत हैं। आप चाहो चॉकलेट चिप्स भी यूज कर सकते हो। जितना फाइनली हो सका मैंने इसको चॉप कर लिया। और उसके बाद 1/3 कप जब पूरा हो गया तो मैंने इसको डाल दिया अपने बैटर में और नाजुक हाथों से, पोले हाथों से इसको मैंने मिक्स कर दिया। आप चाहो तो ज्यादा भी डालो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर गनाश इवेंचुअली डाल ही दोगे तो वो मीठा हो ही जाएगा, लेकिन यू नो फैंसी बनने के लिए चलता है। फिर लेना एक नॉनस्टिक पैन, उसके ऊपर आपने बटर लेना है और उसको ना बस यूं मट्ठा मट्ठा सा ना रगड़ देना है। अब ये पैन ऑलरेडी नॉनस्टिक है तो चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड हमने थोड़ा सा बटर लिया और उसके ऊपर 1/4 कप बैटर उठा के डाल दिया और इसको छोड़ दिया मीडियम लो आंच पे। इसको कुक करना है कोई 1 मिनट के लिए। जब आपके पैनकेक्स का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और बीच में से यूं बबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे सारी तरफ से, तो इसको फिर हमने कर देना है फ्लिप। ये देखे कितने मजे से फ्लिप हुआ है और चॉकलेट जो अंदर डाली थी वो भी मेल्ट हो गई है। और फिर दूसरी साइड की बहुत क्विकली पक जाएगी, 30-40 सेकंड्स इनफ होंगे। फिर आपने इसको कर देना है रिमूव। ये देखे दोनों साइड से बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है और मैंने इसको निकाल लिया। यूं मैंने अपने सारे पैनकेक्स बना लिए, टोटल 9 बने थे। उसके बाद बनाएंगे जी गनाश। एक प्याले में मैंने ले ली 100 ग्राम चॉकलेट चॉप की हुई और उसके अंदर मैंने डाल दी क्रीम जिसको मैंने सिमर कर लिया था 1/2 कप। दूध मत डालिएगा, मुझसे लोग पूछते हैं कि दूध डाल सकते हैं, अगर आप चॉकलेट में दूध डालेंगे तो वो चॉकलेट मिल्क बनेगा।
गनाश के लिए आपको क्रीम ही चाहिए। शुरू में लगेगा कि ये मिक्स होगा नहीं, लेकिन इवेंचुअली हो जाएगा। आपने बड़े सब्र से इसको मिक्स करना है। अगर मैं सब्र ला सकती हूँ अपने आप में, तो आप भी ला सकते हो। इस तरह से मिक्स करेंगे तो बड़ा स्मूथ सी गनाश बन जाएगी। उसके बाद एक मैंने ली सर्विंग प्लेट और उसके ऊपर मैंने अपने सारे पैनकेक्स जो हैं वो इस तरह से लगा दिए हैं इक्वल करके। अब आपके कोई पैनकेक्स की शेप परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, डजंट मैटर, सबने छुप जाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमने स्टैकिंग कर देनी है और उसके ऊपर डालना है अपनी गनाश को। अब देखें कितने मजे का लग रहा है। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक एक लेयर, एक एक पैनकेक के बीच में एक या दो टेबलस्पून गनाश को स्प्रेड करके लेयरिंग करते जाएं, तो वो और ज्यादा मजे का बनेगा। इस तरह से सारी गनाश ऊपर डाल देनी है, लेट इट ड्रिप डाउन। आपने फोर्स नहीं करना इसको कि तू इस तरफ जाए या उस तरफ जाते, से हाउ इट इज सपोज टू बी। उसके बाद जी हमने छुरी ली और इसको काट दिया। ये इतने फ्लफी है, इतने नरम है कि ये आपकी सोच है। इसका हमने एक स्लाइस काटा और इसको हमने जब निकाला तो यूं ही फील हुआ मुझे कि मैंने शायद चॉकलेट केक बना दिया है। इट इज़ गुड, इट इज़ मतलब इसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट केक जैसा ही है। क्योंकि मुझसे मैदा ठीक से मिक्स नहीं हुआ था, तो आपको वाइट वाइट लम्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन इग्नोर इट, आपने बड़े अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बहुत इजी और बड़े मजे की रेसिपी है चॉकलेट पैनकेक्स की। आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। एंड वंस अगेन सिल्वर प्ले बटन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखे सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।